आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। पंजाब में दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में मियां असलम को नॉमिनेट किया है MPA जो थे। और मियां असलम कौन है ये बात बड़ी अहम है। मियां असलम 9 मई के वाकयात के मरकजी नॉमिनेटेड मुलजमान में एक है और मरीम के मुकाबले में उनको इलेक्शन लड़ाने का इरादा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने। ठीक है, अब ये बड़ी सिम्बॉलिक वैल्यू बड़ी है इसकी। ठीक है, इसके ऊपर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि मैं ये जो मैं वैसे अभी वो थोड़ी देर पहले वो किया भी जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, तो ये जो है ना मियाँ असलम साहब अगर जो सानिया 9 में है ना उसके अगर टॉप 10 जो जिम्मेदारान जिसको मतलब ये तहकीकाती इदारों ने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें टॉप 10 में से एक में जो है ना ये मियाँ असलम इकबाल हैं और ये तब से जो रूपोश हैं। ये जो मुझे ऐसे लग रहा है कि इमरान खान ये जो इलेक्शन के नतज आए हैं उसके बाद उनका जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल फिर से बढ़ गया है और वो टेक ऑन करने की जो पॉलिसी है मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर इलेक्शन में इनके कोई अच्छे नतज ना आए तो फिर ये रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी पर जाएंगे और रिज़ल्ट इनको अच्छे मिल गए हैं तो ये अब दोबारा से अपनी उसी जो एक अग्रेसिव वो है ना पॉलिसी उसको जारी रखने का और ये इन्होंने पैगाम दे दिया कि मैं आप जो है ना आपके साथ कोई मुफाहमत या कोई वो नहीं होगी। और ये मेरा ख्याल है कि ये बारगेनिंग के लिए भी आपको अपर हैंड रखना पड़ता है जो सियासी तौर पर, तो ये एक उसकी अच्छी एक मैं समझता हूँ सियासी जो टैक्टिक्स है इमरान खान की तरफ से। ये जो नॉमिनेशन पहले गंडापुर की आई और अभी जो मियाँ असलम इकबाल की आई, गंडापुर के हवाले से ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद उन्होंने नाम वापस ले लिया, नहीं वो मैंने फिर दोबारा सुनी है उसकी जो बैरिस्टर गोहर की, उन्होंने कहा गंडापुर जो KP के वजीर आला का जो है वो तो कल नाम आ गया है अब जो है वो स्पीकर का नाम है। नहीं नहीं नहीं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है अभी, वो सुन रहे थे, उन्होंने एक बात कही है बड़ी अहम है। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा के वाले से अभी सिर्फ एक स्पीकर के नाम पर इत्तफाक हुआ है, उन्होंने गंडापुर का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने ये बात किया कि कल नाम TV पे चल रहे थे लेकिन हम बता दें कि जो नाम फाइनल हुआ है अभी खाली स्पीकर का हुआ है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि गंडापुर के नाम को PTI ने वापस ले लिया है। क्यों? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों। मुझे जो लगता है कि वो इसलिए हो गया है कि जो झगड़ा साहब है आपको पता है ना, तैमूर झगड़ा जो वज़ीर ख़ज़ाना इनके रहे हैं, तैमूर झगड़ा इलेक्शन हारे हैं और एक और साहब इनके साथ हारे हैं इलेक्शन PTI के, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो मुदाखलत जो थी या उसमें रोल प्ले किया है वो अली अमीन गंडापुर ने किया है। और इमरान खान साहब को कुछ इत्तला दी गई हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो शायद कंप्रोमाइज्ड है। क्या कंप्रोमाइज्ड है? तो ये इमरान खान को इतला दी गई है, हकीकत है या नहीं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो ये बातें, तो मेरी इतलात ये हैं, मेरी इतलात क्या है ये तो उनकी अपनी बात है कि अली अमीन गंडापुर का नाम अभी फाइनल नहीं है। अच्छा, मैंने अभी आने से पहले ना कोर्ट रिपोर्टर से बात की जो कल अडियाला जेल में थे जो इमरान खान से मिले भी, और उनसे मैंने पूछा है और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने खुद नाम दिया ये अली अमीन गंडापुर का। लेकिन वो खुद वापस भी ले लेते हैं वो तो यूटर्न का जो है ना, वो क्या बात है यूटर्न का कल, जो कल उन्होंने दिया। हाँ। देखे ना, वो कल तो उन्होंने कहा था, लेकिन मैं आपको आज की बात कर रहा हूँ। ये तो दिन रोजाना चेंज होती है, हो सकता है कल मियां असलम इकबाल का चेंज हो जाए ना, ये भी नहीं कल हो सकता है अली अमीन का दोबारा कहें नहीं नहीं अली अमीन ही लगे, तो ये एक अलग इशू है। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि अली अमीन साहब जो है वो अब इतने वजीर आला के कैंडिडेट शायद ना हो। एक बार अब आ जाते हैं पंजाब की, हमने बात कर ली कि मनीम के सिंध में कौन, सिंध में अब आ जाते हैं सिंध में इस वक्त 3 नाम जो है वो आ रहे हैं सामने और आप सुन के हैरान रह जाएंगे। एक नाम तो आ रहा है मुराद अली शाह का, बिलावल शाह चाहते हैं मुराद अली शाह ही रहे और लगता है कि शायद वो कंटिन्यू करें। दूसरा नाम आ रहा है शर्जील मेमन का, ठीक है, जरदारी साहब का ख्याल है कि शर्जील मेमन या नासिर शाह ज़्यादा उसके फेवरेट है। और एक और नाम जो है ना वो है अदी का। अच्छा, ठीक है, जो आसफ अली जरदारी साहब की डार्क हॉर्स के तौर पे सामने आ सकते वो भी है। उनकी भी ख्वाहिश है कि वजीर आला वो बने। अगर पंजाब में मरीम हो सकती है तो आसफ जरदारी की बहन सिंध में क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है ना, ठीक है, तो ये भी वहाँ पर है। लेकिन हैविंग सेड दैट,
अच्छा बाय द वे कल ना कामरान रजी हमारे जियो के रिपोर्टर, उन्होंने खबर दी थी। अच्छा, उन्होंने खबर दी थी नासिर शाह, शर्जील मेमन और इनकी मुराद अली शाह की। मैंने शायद, मुझे जहाँ तक याद है अदी का नाम नहीं था, लेकिन उनकी खबर कामरान की बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, कामरान इज वेरी इनसाइडर इन, हाँ बिल्कुल, वो पीपल्स पार्टी में समझते हैं, लेकिन मुझे जो पता चला कि अदी का नाम भी है, यानी कि मरियम के बाद हो सकते हैं ये पॉसिबिलिटी भी हो। तो ये तो चार सूबे हमने मुकम्मल कर दिए।